अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस सोलह, इसके गुणनखंड करने हैं, बाहर बाहर वालों को इंटू करो अपने, सोलह गुणा एक्स स्क्वायर बराबर सोलह एक्स की स्क्वायर। पहला चिन्ह माइनस है, दूसरा प्लस है, तो बड़ा माइनस का लेंगे या छोटा माइनस का लेंगे? नहीं, इसमें देखो पहला माइनस है दूसरा प्लस है, तो दोनों चिन्ह ही माइनस के होंगे। दोनों चिन्ह किसके होंगे? चार चौके सोलह, चार एक्स, चार एक्स बराबर सोलह एक्स की स्क्वायर। दोनों माइनस के ले रहे हैं, माइनस के लो, ले लिया। अब माइनस चार एक्स, माइनस चार एक्स जोड़ेंगे माइनस के आठ एक्स, तो माइनस आठ एक्स की जगह इन दोनों को लिख दो। यहां रख देता हूं मैं, एक्स की स्क्वायर माइनस चार एक्स, माइनस चार एक्स प्लस के सोलह बराबर जीरो। दो दो के गुणनखंड कर लो ऐसे, पहले में निकाल देंगे अपने एक्स, तो एक्स माइनस चार बच गया, माइनस दूसरे में चार का भाग इसमें जा रहा है, चार का इसमें चार निकालेंगे, तो पहले बच गया एक्स। ये देखो चिन्ह माइनस का आते हैं अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, ध्यान रखना उल्टा हो जाता है, जस्ट किसका कर दूं? माइनस का। चार चौके सोलह बराबर है जीरो, एक्स माइनस चार। ये देखो ये मिला दिया, एक ये अंदर वाला लिखेंगे एक बार इसको, एक्स माइनस चार बराबर जीरो, एक्स माइनस चार के बराबर जीरो है, एक्स माइनस चार के बराबर है जीरो है, पक्षांतरण है करेंगे, तो एक्स बराबर चार और इधर इसका करेंगे एक्स बराबर है चार, चार और चार ये दो इसके गुणनखंड हो गए।